हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू सिविल सॉल्व। अभी तक आपने बीएमसी के प्रीवियस वीडियोस में सीमेंट, लाइम और ब्रिक्स के बारे में पढ़ा है। अब हम इस लेक्चर में एडमिक्सचर्स को के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एडमिक्सचर्स। तो एडमिक्सचर्स जो होते हैं, सपोज कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट आपको पता है वाटर, सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट से मिलकर बनी होती है। तो कंक्रीट में अगर वाटर, सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट के अलावा आप कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो जिससे कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, उसको कहते हैं एडमिक्सचर्स। तो एडमिक्सचर्स क्या हैं? एनीथिंग एडेड इन कंक्रीट अदर देन वाटर, सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट इन ऑर्डर टू मॉडिफाई दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए आप कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं इनको हटा के, तो वो क्या कहलाते हैं? एडमिक्सचर्स। डिफरेंट टाइप्स होते हैं एडमिक्सचर्स के। पहला टाइप है प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर्स क्या होते हैं कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। तो ये काम क्या करते हैं, देख लीजिए। कैसे प्लास्टिसाइजर जो हैं वो डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट होते हैं। डीफ्लॉकुलेटिंग मतलब ये फ्लॉक्स हैं, फ्लॉक्स ये पार्टिकल्स हैं, इनको डीफ्लॉक कर देता है। डीफ्लॉक मतलब ब्रेक कर देना, अलग अलग कर देना, फ्लॉक को डीफ्लॉक कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ये सीमेंट है, सीमेंट पार्टिकल्स हैं, जब आपने प्लास्टिसाइजर नहीं डाला तो क्या कर रहे हैं, ये सीमेंट पार्टिकल्स के बीच में कुछ वाटर इंट्रैप रह गया था, जो वाटर था वो फंसा रह गया, उसको आप यूज़ ही नहीं कर सकते। तो ये जो वाटर आप यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो ये डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, इन फ्लॉक्स को डीफ्लॉक कर देता है, सेपरेट आउट कर देता है। और सेपरेट करने के बाद जो वाटर है उसको आप क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि ये है, सीमेंट पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर दिया और इसके अंदर जो वाटर था ये बाहर निकल गया, गोज आउट हो गया और उसको आप यूज़ कर लेते हैं। तो ये कहलाता है प्लास्टिसाइजर का काम, कि प्लास्टिसाइजर डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। इसका मतलब है कि ये ब्रेक कर देता है सीमेंट पार्टिकल को, जो क्या करते हैं, वाटर को इंट्रैप किए हुए होते हैं, वाटर जिसके अंदर प्रेजेंट रहता है, बाहर यूज़ नहीं हो पाता। अब क्या हुआ, सपोज़ आपने देखा कि डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट की तरह वर्क किया। अब जैसे आप देखते हैं, सपोज़ कि प्लास्टिसाइजर है, एक बार आपने क्या किया, प्लास्टिसाइजर को आपने, सपोज़ ये कुछ सीमेंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सेम सीमेंट पार्टिकल्स आपने ये लिए। तो एक तो मैं ये बात करूँगी बिफ़ोर यूजिंग प्लास्टिसाइजर, एक आपने जब प्लास्टिसाइजर नहीं डाला है तब की क्या कंडीशन है, और एक जब आपने प्लास्टिसाइजर डाल दिया है, क्लियर है। तो अब क्या किया कि सपोज़ ये प्लास्टिसाइजर है, इसके अंदर कुछ वाटर इंट्रैप होगा और इसके अंदर भी वही वाटर इंट्रैप है, क्लियर है। तो ये इसके अंदर जो वाटर इंट्रैप है वो तो यूज़ नहीं हो पाया, आपने सपोज़ इसमें कुछ वाटर कंटेंट ऐड किया, ठीक है। तो जो वाटर सीमेंट रेशियो था, अब आपने क्या किया, प्लास्टिसाइजर इसमें डाल दिया। जब प्लास्टिसाइजर डाल दिया और आपने देखा कि वाटर कंटेंट जो है वो सेम ऐड किया, यानी कि ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इसमें जो वाटर सीमेंट रेशियो था, तो वाटर सीमेंट रेशियो, इसमें जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि आपने देखा कि आपको अगर एक दो कंडीशन लेके चलते हैं, एट सेम स्ट्रेंथ, और आपको एक कंक्रीट बनानी है एट सेम वर्केबिलिटी, क्लियर है। एक कंडीशन में तो वर्केबिलिटी सेम रखनी है, दूसरी कंडीशन में आपको स्ट्रेंथ सेम रखनी है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, सेम स्ट्रेंथ पे। सेम स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जो वाटर सीमेंट रेशियो हो वो कांस्टेंट रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि जो सीमेंट जितना ऐड कर रहे हो सीमेंट से स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, तो अगर आप वाटर बढ़ाते जाएंगे तो फाइनली स्ट्रेंथ क्या होगी, रिड्यूस होती जाएगी। बट अगर वाटर सीमेंट रेशियो इससे कांस्टेंट है, जिस कंक्रीट के लिए जितना यूज़ करना है उतना ही है, तो स्ट्रेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या किया, वाटर सीमेंट रेशियो सेम रखा, यानी कि ये जो वाटर इंट्रैप था इसमें तो यूज़ नहीं हो पाया, और इसमें वाटर इंट्रैप
था, ये वाटर क्या हुआ, सेम यूज़ कर लिया। यानी कि कंक्रीट में वाटर तो उतना ही प्रेजेंट है, उससे मतलब नहीं है, वो बाद में भी है, अभी भी उतना है। बस ये है कि उस समय मिक्सिंग टाइम पे इसको यूज़ कर लिया और इसको मिक्सिंग टाइम पे आप यूज़ नहीं कर पा रहे थे। ओवरऑल तो वाटर उतना ही प्रेजेंट था कॉन्क्रीट में। अब जब क्या किया आपने, वाटर सपोज इतना डाला और सेम वाटर कंटेंट आपने प्लास्टिसाइजर डालने के बाद भी डाला, तो वाटर का सीमेंट से रेशियो तो सेम ही रहा, क्योंकि वाटर इसमें भी जो इंट्रैप था वो भी उसमें रहा। तो जब वाटर सीमेंट रेशियो सेम रहा तो स्ट्रेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट प्लास्टिसाइजर डालने के बाद आपने देखा कि ये जो वाटर इंट्रैप था ये आप मिक्सिंग टाइम पे यूज़ कर ले रहे थे, क्योंकि इसने डीफ्लॉक कर दिया और ये वाटर भी कुछ मिक्सिंग टाइम पे इसमें यूज़ हो गया, यानी अच्छे से आप मिक्स कर पा रहे हैं। तो वाटर ओवरऑल मिक्सिंग में क्या हो गया, बढ़ गया। यानी मिक्सिंग टाइम पे जब वाटर वर्क बढ़ गया तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? वर्केबिलिटी होती क्या है, वर्केबिलिटी कंक्रीट की वो प्रॉपर्टी होती है कि जब आप कंक्रीट को इजीली मिक्स कर पा रहे हैं, इजीली आप ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, इजीली आप कॉम्पैक्ट कर ले रहे हैं कंक्रीट को, और इजीली प्लेस करके आप फिनिश कर दे रहे हैं। यानी कितना इजीली आप कंक्रीट के साथ काम कर ले रहे हैं वो प्रॉपर्टी कहलाती है वर्केबिलिटी। यानी कि कंक्रीट में जितना आसानी से आप उसके साथ काम कर पा रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी क्या कहला रही है, वर्केबिलिटी। और जितना वाटर इसमें प्रेजेंट रहेगा उतना ईजिली आप कॉन्क्रीट को मिक्स कर पाओगे, इसका मतलब है कि वर्केबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इसमें क्या किया, ये जो इंट्रैप वाटर था ये भी यूज हो पाया मिक्सिंग टाइम पे, इसका मतलब है कि ओवरऑल वर्केबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसका मतलब है कि पार्ट जो प्लास्टिसाइजर है अगर आप सेम स्ट्रेंथ पे बात करें तो ये वर्केबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। वही अगर सेम वर्केबिलिटी पे बात करें, वर्केबिलिटी सेम है, मतलब मिक्सिंग टाइम पे जो वाटर था वो सेम रहना चाहिए। क्लियर है? तो आपने क्या किया कि जब आपने देखा कि बिफोर प्लास्टिसाइजर आपने इतना वाटर डाला और आपने बिफोर प्लास्टिसाइजर आपने इतना वाटर यूज़ किया, क्लियर है? अब आपको वर्केबिलिटी सेम रखनी है, यानी मिक्सिंग टाइम पे वाटर कंटेंट सेम रखना है। अब आपने देखा कि इसमें मिक्सिंग टाइम पे इतना यूज़ हुआ बट आफ्टर प्लास्टिसाइजर आपने सिर्फ इतना डाला, यानी कि कम कर दिया कुछ वाटर, क्योंकि आपने ये जो वाटर इंट्रैप था ये भी मिक्सिंग में यूज़ हो गया। ओवरऑल आपने देखा कि वाटर कंटेंट तो सेम रहा दोनों में, ये वाटर बस इसमें यूज़ हो गया। यानी कि मिक्सिंग टाइम पे जब वाटर सेम है तो वर्केबिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट वाटर सीमेंट रेशियो क्या हो गया, अब लेस हो गया। आफ्टर प्लास्टिसाइजर आपने देखा वाटर सिर्फ इतना हुआ और सीमेंट के साथ जो रेशियो हो गया वो कम हो गया, क्योंकि ये तो इंट्रैप तो ये तो प्रेजेंट है ही, इससे मतलब ही नहीं है आपको। आपने देखा पहले आप ज़्यादा परसेंट में वाटर डाल पा रहे थे और इसमें आप कम डाल पा रहे हो, क्योंकि आपको वर्केबिलिटी भी सेम मिल रही है। तो इसमें क्या हुआ, वाटर कम हो गया, यानी वाटर सीमेंट रेशियो क्या हो गया, जब वाटर कम हो गया तो वाटर सीमेंट रेशियो भी आपका कम हो गया। तो जब वाटर सीमेंट रेशियो कम हो गया तो स्ट्रेंथ क्या होगी, यानी सीमेंट के कंपैरेटिवली वाटर कम है तो सीमेंट स्ट्रेंथ दे रहा है, इसका मतलब है ओवरऑल स्ट्रेंथ कंक्रीट की क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो प्लास्टिसाइजर का काम क्या है कि सेम स्ट्रेंथ पर तो ये वर्केबिलिटी को बढ़ा रहा है और वही एट सेम वर्केबिलिटी पे क्या कर रहा है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। देख लीजिए कि प्लास्टिसाइजर क्या है, दैट अलाउ द रिडक्शन इन वाटर कंटेंट इन प्रिपरेशन ऑफ कॉन्क्रीट हैविंग सेम वर्केबिलिटी। जब आप सेम वर्केबिलिटी की बात कर रहे थे तो सेम वर्केबिलिटी चाहिए, यानी मिक्सिंग टाइम पे वाटर कंटेंट सेम चाहिए जिसलिए वर्केबिलिटी सेम रह पाएगी। तो जब आपने देखा कि वर्केबिलिटी सेम करनी है तो आप क्या कर रहे हो, प्लास्टिसाइजर डाल रहे हो, तो उस समय आप क्या करेंगे, वाटर कंटेंट कम कर देंगे, तो वाटर रिड्यूस हो रहा है, तो वाटर रिड्यूस हो रहा है और इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट है सेम वाटर सीमेंट रेशियो। यानी दूसरी कंडीशन में क्या था कि जब आपने वाटर सीमेंट रेशियो सेम रखा तो आपने देखा कि वर्केबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हो गई, सेम जब आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, सेम थी। क्लियर है? तो दो केसेस हो गए। फॉर्मर केस में क्या हो रहा है कि जब वाटर रिड्यूस कर रहे हैं आप तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, कम हो जाएगा, जिससे स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फॉर्मर केस इट रिजल्ट्स इन हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट, बट लेटर केस में क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग वर्केबिलिटी, तो स्ट्रेंथ क्या रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं। तो जब वर्केबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो लेटर केस में क्या होगा, रिजल्ट्स इन हाईली वर्केबल कॉन्क्रीट। तो दो केसेस देखे आपने कि एट सेम स्ट्रेंथ पे तो वर्केबिलिटी बढ़ रही है और एट सेम वर्केबिलिटी पे क्या हो रहा है, आप स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर है? तो ऊपर पहले में देखा आपने कि सेम वर्केबिलिटी थी तो स्ट्रेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और दूसरे में क्या कर रहे हैं कि आप सेम वाटर सीमेंट सेम स्ट्रेंथ पे क्या कर रहे हैं, वर्केबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो प्लास्टिसाइजर का काम ये है
कि एट सेम वर्केबिलिटी वाटर रिड्यूस हो जाता है और जब एडमिक्सचर डालते हैं इसीलिए स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बट सेम स्ट्रेंथ पे क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट है तो वर्केबिलिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो प्लास्टिसाइजर एक डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। जो नॉर्मल डोज होती है प्लास्टिसाइजर की वो वैरी करती है 0.1 से 0.4%। जो सीमेंट का वेट होता है उससे 0.1 से 0.4% तक वैरी करती है, जो क्या करता है, वाटर को रिड्यूस कर रहा है। जब आपको इस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होता है सेम वर्केबिलिटी पे तो उसमें वाटर कंटेंट रिड्यूस होता है, कितना, 10-15% रिड्यूस कर देता है। या अगर आपको वर्केबिलिटी बढ़ानी है यानी स्ट्रेंथ सेम रखनी है तो आप क्या करेंगे, स्ट्रेंथ सेम रखेंगे तो उस समय वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी तो वैल्यू क्या होगी स्लम की, बढ़ जाती है एटलीस्ट 30 mm। या तो आप दो कंडीशन में देख रहे हैं, या तो आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ सेम रख रहे हैं वर्केबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो 30 mm बढ़ जा रही है, यानी कि दूसरी कंडीशन में क्या कर रहे हैं, वर्केबिलिटी सेम रख रहे हैं स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, तो जब स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा, कितना, 10-15%। तो ये प्लास्टिसाइजर काम करता है कि वाटर को रिड्यूस कर देता है जिसकी वजह से स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एग्जांपल जैसे लिग्नोसल्फेट, लिग्नोसल्फेट भी एक प्लास्टिसाइजर है। पॉलीग्लाइकोल एस्टर्स, हाइड्रोक्सीलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब प्लास्टिसाइजर्स के रूप में काम करते हैं, ठीक है। हैवली रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर, जो हैवी रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ आप क्या करते हो, बहुत आपको जो है वर्केबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है जिससे ईजिली आप प्लेस कर सको उसको, क्योंकि रीइंफोर्समेंट हैवली रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर है वहाँ पे, तो प्लास्टिसाइजर यूज़ कर लेते हो हाई वर्केबिलिटी जहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। प्लास्टिसाइजर्स आर जनरली एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉन्क्रीट टू बी यूज इन हैवली रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर। तो वही हैवली रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर में आप प्लास्टिसाइजर्स जनरली ऐड कर देते हो कॉन्क्रीट को प्रिपेयर करते टाइम ही, जिससे ओवरऑल क्या होता है, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। जब वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी तो ईजिली प्लेस कर सकते हैं हैवली रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर में और प्लास्टिसाइजर का काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सुपर प्लास्टिसाइजर। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडमिक्सचर है सुपर प्लास्टिसाइजर। मींस क्या है, प्लास्टिसाइजर का काम क्या था, वाटर कंटेंट रिड्यूस करना, कितना, 10-15%। बट सुपर प्लास्टिसाइजर क्या कर रहा है, जो और सीमेंट पार्टिकल्स के बीच में इंट्रैप्ड वाटर है उसको भी यूज़ कर ले रहा है, यानी कि ये मॉडिफाइड वर्जन है प्लास्टिसाइजर का, जो वाटर कंटेंट को कितना रिड्यूस कर रहा है, 30%। अनलाइक प्लास्टिसाइजर, बल्कि प्लास्टिसाइजर कितना कर रहा था, सिर्फ 15% तक, क्लियर है। मॉडिफाइड एग्जाम्पल देख लीजिए, मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट, उसमें लिग्नोसल्फेट था एग्जाम्पल, आपको याद रखने हैं, ऑप्शंस में पूछ लेते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चंस में। मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट, सल्फोनेटेड मिलानिन फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फोनेटेड नैप्थलीन फॉर्मेल्डिहाइड एक्ट एज सुपर प्लास्टिसाइजर, ये सब सुपर प्लास्टिसाइजर्स के रूप में वर्क करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडमिक्सचर है रिटार्डर। रिटार्डर आप सभी जानते हैं, रिटार्डर क्या करता है, सेटिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है या इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ा देता है। तो ये एडमिक्सचर है जो क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है केमिकल प्रोसेस हाइड्रेशन की, जिससे धीरे धीरे सेटिंग होती है, यानी कि सेटिंग होने का टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। एंड टू मेक द कॉन्क्रीट प्लास्टिक, कॉन्क्रीट को प्लास्टिक बना के रखा गया तभी तो धीरे धीरे सेट होगी एंड वर्केबल रहेगी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन तक, इन कंपैरिजन टू दी कॉन्क्रीट विदाउट रिटार्डर। जब आप रिटार्डर नहीं डालते उसके कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो रिटार्डर डालने के बाद कॉन्क्रीट थोड़ा प्लास्टिक भी रहती है, वर्केबल रहती है लॉन्गर टाइम तक, धीरे धीरे सेट होती है, सेटिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो रिटार्डर क्या करता है, हेल्प करता है ओवरकमिंग यानी कि रिड्यूस करने में एसिलरेटिंग इफेक्ट, यानी जल्दी से जल्दी सेट होने के इफेक्ट को कम कर देता है टेम्परेचर के, और ओवर दी सेटिंग ऑफ कॉन्क्रीट इन हॉट वेदर कंडीशन। हॉट वेदर कंडीशन में टेम्परेचर जब ज़्यादा रहता है तो आपको पता है कि हॉट वेदर कंडीशन यानी जब टेम्परेचर ग्रेटर देन अराउंड 40°C होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जल्दी से जल्दी सेटिंग होने लगती है, तो आप रिटार्डर डाल देते हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी सेटिंग ना हो, सेटिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाए और ईजिली काम हो जाए। नॉर्मल डोज जो होती है वो 0.05-0.1% वेरी करती है। जैसे एग्जांपल आपको पता है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, शुगर, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब कैसे काम कर रहे हैं, एज अ रिटार्डर वर्क करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडमिक्सचर है एसिलरेटर्स। एसिलरेटर्स आप जानते हैं, ये क्या करेंगे, सेटिंग प्रोसेस को फास्ट कर देंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ा देंगे, जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ डेवलप कर देंगे, क्लियर है। तो ये जो एडमिक्सचर्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं इंक्रीज द रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। जब जल्दी से जल्दी सेट करेंगे तो जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ डेवलप कर देंगे एसिलरेटर्स, इसीलिए इनको यूज़ करते हैं। आपको पता है कि आपने पढ़ा है टाइप्स ऑफ सीमेंट में कि एक एसिलरेटर आपने डाला था, जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए थी, तो आपने रैपिड एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या यूज़ किया था, CaCl2 का यूज़ किया था, कैल्शियम क्लोराइड का, जो ये क्या काम कर रहा था,
कि आपने जब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में डाल दिया तो इनिशियल स्ट्रेंथ को इसने और ज़्यादा बढ़ा दिया। 1 or 2 days में आपने पढ़ा था 20-25% हायर कर दिया था स्ट्रेंथ, और 10-15% इंक्रीज जो स्ट्रेंथ थी इंक्रीज कर दी थी 7 days में। क्लियर है? तो ये आपने पढ़ा था एक्सीलरेटर वर्क करते हैं वहाँ पर। तो ये जनरली कहाँ यूज़ करेंगे? वहीं जहाँ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग, प्री फैब्रिकेटेड कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन, वहाँ जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए। इमरजेंसी रोड रिपेयर वर्क में जल्दी से जल्दी लोड अप्लाई कराना है, स्ट्रेंथ जल्दी चाहिए। फॉर्म वर्क इज़ टू बी रिमूव फॉर स्पीडी कंस्ट्रक्शन, रिमूव करना होता है जल्दी कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो वहाँ पर भी आप एक्सीलरेटर्स का यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड यूज्ड इन एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में यूज़ किया था आपने। सिलिकेट्स, फ्लोरोसिलिकेट्स, ट्राई एथेनॉल एमीन, ये सब कैसे हैं? एक्सीलरेटर्स के रूप में वर्क करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडमिक्सचर आता है एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स। एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स क्या होते हैं कि आपने देखा है कि सपोज कंक्रीट है, एक दो टाइप के वर्ड्स आते हैं, इंट्रैप और एंट्रेंड। एयर इंट्रैप्ड कंक्रीट, एयर एंट्रेंड कंक्रीट। देखिए इंट्रैप का मतलब है कि नॉर्मल कंक्रीट है और ठीक है इसके अंदर वॉइड्स हैं, इसमें एयर प्रेजेंट है। क्लियर है? तो ये तो कहेगी कहलाएगा इंट्रैप्ड कंक्रीट। एंट्रेंड का मतलब होता है कि कुछ इस टाइप के एडमिक्सचर्स आप डाल देते हैं जिनको कहते हैं एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर। तो ये क्या करते हैं कि जब ये एडमिक्सचर आप इसमें डाल दोगे तो ये वॉइड्स में जो एयर होती है उसको बबल्स की फॉर्म में जो है वो इंट्रैप कर लेते हैं। तो एयर को इसमें बबल्स की फॉर्म में इंट्रैप करते हैं, तो इस टाइप की कंक्रीट कहलाती है एयर एंट्रेंड कंक्रीट। इंट्रैप्ड का मतलब है कि जैसा वॉइड है वो ओवरऑल उसमें एयर प्रेजेंट है, कोई बात नहीं जब आप वाटर पास कराएंगे तो वाटर इजीली पास हो जाएगा, नॉर्मली एयर प्रेजेंट है। एंट्रेंड का मतलब है कि जो एयर है वो बबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि अगर आप कोई भी वाटर पास कराते हो तो ये पास नहीं होगा क्योंकि ये बबल्स की फॉर्म में इसमें प्रेजेंट रह गए हैं। क्लियर है? तो जब इसमें बबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो आप बताओ इसमें परमेबिलिटी इसकी क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी कंक्रीट की, क्योंकि वाटर पास ही नहीं हो पाएगा। सेकंड, ब्लीडिंग की कंडीशन नहीं होगी, जब वाटर ही नहीं होगा प्रेजेंट इसके अंदर, एयर प्रेजेंट है तो ब्लीडिंग की कंडीशन नहीं होगी। सेग्रीगेशन नहीं होगा, ये आपस में जो बबल्स होते हैं पार्टिकल के बीच में स्लिपरी का काम करते हैं जिससे वर्केबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। सेग्रीगेशन का मतलब है कि पार्टिकल्स का आपस में अलग हो जाना, और ब्लीडिंग का मतलब है कि वाटर का सरफेस पे आ जाना, इतना वाटर आपने यूज कर लिया कि कॉम्पैक्ट होने के बाद वो सरफेस पे तैरने लगा, तो वो कहलाता है ब्लीडिंग। क्लियर है? फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है कि फ्रॉस्ट एक्शन होता है कि मतलब जब अगर कंक्रीट थी और इसके अंदर वॉइड प्रेजेंट थे, तो सपोज अगर इसके अंदर वाटर रह गया तो फ्रॉस्ट एक्शन में सडन अगर टेम्परेचर कम हुआ तो ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में, जिसकी वजह से ओवरऑल आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो क्रैकिंग डेवलप हो जाएगी। वही अगर आइस में है तो एकदम टेम्परेचर बढ़ा तो फाइनली क्या होगा कि ये वाटर में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर एकदम रिड्यूस होगा तो भी क्रैकिंग आ जाएगी वॉल्यूम कम होने की वजह से। तो जब अगर एयर प्रेजेंट है, वाटर इसमें प्रेजेंट हो ही नहीं पाएगा तो फाइनली फ्रॉस्ट एक्शन होगा नहीं, क्योंकि अगर इसके अंदर वाटर होता तभी तो आइस में कन्वर्ट होता। जब इसके अंदर एयर आपने बबल्स की फॉर्म में ला दी है तो वाटर इसके अंदर जा ही नहीं पाएगा, यानी कि परमेबिलिटी रिड्यूस है, तो इसकी वजह से फ्रॉस्ट एक्शन को भी क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो ये जो एडमिक्सचर्स हैं देख लीजिए, एंट्रैप कर लेते हैं मिलियंस ऑफ एयर बबल्स, एयर बबल्स को इंट्रैप कर लेंगे बबल्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर से, इन बिटवीन दी वॉइड्स ऑफ सीमेंट पार्टिकल, सीमेंट पार्टिकल के वॉइड्स के बीच में, दैट एक्ट एज, जो कि वर्क करती है एज अ फ्लेक्सिबल वॉल बियरिंग्स, आपस में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, यानी कि एक वॉल की तरह वर्क करेगी, स्लिपरी की तरह वर्क करेगी, जो कि स्लिप पास हो सकता है वन ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो सकते हैं। देयर बाई हेल्प्स इन मॉडिफाइंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्क्रीट, जो कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी के रिस्पेक्ट में प्लास्टिसिटी क्या होगी, बढ़ दे जाएगी, वर्केबिलिटी इंक्रीज कर देंगे। ब्लीडिंग क्या होगी इसके अंदर, ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाएगी, सेग्रीगेशन कम कर देगा, परमेबिलिटी वाटर पास नहीं हो पाएगा, परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, फ्रॉस्ट एक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? फ्रिक्शन लेस, जब ये स्लिप फ्रिक्शन लेस है, यानी कि आपस में फ्लेक्सिबल वॉल बियरिंग की तरह वर्क कर रहे हैं, तो वर्केबल हो गया, आप इजिली मिक्स कर सकते हो, स्लिपरी का काम कर रहा है इजिली वर्क कर लेंगे, बट वर्केबिलिटी इसमें वाटर की वजह से नहीं बढ़ रही है। क्लियर है? इसमें बढ़ रही है ओवरऑल एयर बबल्स की वजह से। तो ये जो है कंक्रीट एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर में वर्केबिलिटी कंक्रीट में जो है बबल्स की वजह से है, ना कि वाटर की वजह से। तो वाटर इसमें ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए जो ये है ये प्लास्टिक
ये ओवरऑल स्लिपरी का तो काम करेगा, बट वाटर की वजह से प्लास्टिसिटी इसके अंदर नहीं होगी। ये जो एडमिक्सचर्स हैं किसी भी टाइप के कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मली जो है ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये परमेबिलिटी, ब्लीडिंग की ये सब नहीं आएंगी, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, नेचुरल वुड रेजिंस या प्लांट या एनिमल के फैट्स या ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड भी यूज़ किया जाता है एज अ एयर एंटरिंग एडमिक्सचर। एल्यूमिनियम पाउडर, तो ये सब जो हैं, एक वुड में रेजिन पाया जाता है, रेजिनस सब्सटेंस होता है चिपचिपा, उसको भी आप यूज़ कर लेते हैं जो बबल्स की फॉर्म में एयर को इंट्रैप कर लेता है। क्लियर है? तो देखिए दो डिफरेंस हैं एयर एंट्रैप्ड और एयर एंट्रेन में। एयर इंट्रैप का मतलब है कि जो एयर है वो वॉइड का जो शेप होगा उसी शेप में वो एयर प्रेजेंट हो जाएगी। क्लियर है? बट एंट्रेन का क्या मतलब है कि जो एयर में जो वॉइड्स का शेप है उस शेप में नहीं होगी, हमेशा बबल्स की फॉर्म में जो है वो एयर इंट्रैप होगी। तो ये कहलाती है एयर एंट्रेन कॉन्क्रीट, ये कहलाती है एयर इंट्रैप्ड कॉन्क्रीट। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर्स। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन न्यूमेरिकल है कि चूजिंग अ मिक्स डिज़ाइन प्रोसीजर। एक मिक्स डिज़ाइन प्रोसीजर है, मिक्स प्रपोर्शन फॉर डिज़ायर्ड रेट ऑफ कॉन्क्रीट हैव बीन ऑब्टेन। कुछ कॉन्क्रीट का जो है मिक्स प्रपोर्शन दिया है बाई मास, यानी कि अब ये मिक्स प्रपोर्शन आप जानते हैं किस किस का होगा, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का। कितना है? 1:2, 2.1:3.5। क्लियर है? तो ये बाई मास है, यानी वेट दे रखा है, ये वेट के कंपेयर में है। तो विद वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो कितना दिया हुआ है? 0.5। और फाइनली क्या गिवन है? एयर कंटेंट। तो एयर कंटेंट जो गिवन है तो वो वॉल्यूम ही होगा एयर का, क्योंकि एयर का जो वेट है वो हमेशा क्या रहता है? ज़ीरो रहता है, एयर का वेट नहीं होता कुछ। तो वॉल्यूम कितना है? ओवरऑल 3% है। कैलकुलेट द वेट ऑफ इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट। सीमेंट का अलग वेट बताना है, सैंड का अलग वेट बताना है, एग्रीगेट्स का अलग वेट बताना है। रिक्वायर टू मेक 0.25 meter cube ऑफ कॉन्क्रीट। टोटल कॉन्क्रीट का वॉल्यूम कितना है? 0.25 meter cube। क्लियर है? स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग गिवेन है, सीमेंट की है आपकी 3.15, आपको सैंड की गिवेन है, ये सैंड है, सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट्स 2.65 गिवेन है, और एग्रीगेट्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवेन है 2.7। ये क्लियर गिवेन है, और आपको जो है सीमेंट सैंड एग्रीगेट का अलग अलग इंडिविजुअल वेट आपको बताना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने पढ़ा है कि कोई भी कॉन्क्रीट या कोई भी मिक्सचर है, क्लियर, अगर उसमें वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट हैं तो वो थ्री फेज डायग्राम को शो करती हैं। जैसे कि ये तो हो गया सॉलिड, और दो कोई भी आपका कोई भी मिक्सचर होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, या तो उसमें क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, सॉलिड होगा प्लस वॉइड्स होंगे। क्लियर है? ये वॉइड्स हो गए, और वॉइड्स में भी आप क्या है कि कुछ वॉइड किससे फिल है? वाटर से। इसमें सपोज वाटर है, और कुछ वॉइड किससे फिल है? एयर से। क्लियर है? तो आपको पता है कि जो टोटल वॉल्यूम होता है किसी भी मिक्सचर का वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब आपको पता है कि सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का रेशियो गिवन है वो है 1:2, 2.1:3.5 बाई मास। ऑलरेडी बोल रहे हैं बाई मास, ना कि बाई वॉल्यूम। तो अगर मैं कहूँ कि लेट एज्यूम कर लिया आपने कि वेट ऑफ सीमेंट जो है वो कितना है, एक्स है, क्लियर है, तो वेट ऑफ सैंड कितना हो जाएगा बता सकते हैं? 2.1 times of x। और वेट ऑफ एग्रीगेट कितना हो जाएगा? 3.5 of x। तो यही तो वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, जस्ट वेट आपको पता है, वेट गिवन है वेट के टर्म में, तो आपको यही वेट फाइंड करना है, और आपको गिवन है टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम कितना गिवन है? 0.25 meter cube कॉन्क्रीट का वॉल्यूम गिवन है। तो आप क्या करेंगे कि आपको पता है टोटल वॉल्यूम इक्वल टू, या तो वॉल्यूम दो चीज़ों से मिलकर बना है, या तो सॉलिड होते हैं प्लस वॉइड्स होते हैं। अब आपको पता है सॉलिड में क्या क्या है, वॉल्यूम सीमेंट का है प्लस वॉल्यूम ऑफ सैंड प्लस वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, इन तीनों चीज़ों से ही तो मिलकर सॉलिड बना है, प्लस वॉइड्स किन किन से मिलकर बना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर से प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर से। क्लियर है?
अब टोटल वॉल्यूम कितना दिया है, 0.25 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट, तो 0.25 मीटर क्यूब है। यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट हमेशा सेम रहनी चाहिए, अगर मीटर क्यूब में है तो मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। तो अगर वॉल्यूम आपको सीमेंट का निकालना है तो आप एक वर्ड सुना होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपको किसी भी सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर सेम वॉल्यूम में, तो वो निकाल लेते हैं तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाती है। अब आपको डेंसिटी ऑफ सॉलिड चाहिए तो ओवरऑल क्या करेंगे, जी ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड की और उसको वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी डेंसिटी आ जाती है। अब आपको वॉल्यूम निकालना है सीमेंट का, तो आपको पता है वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट डेंसिटी, यानी कि मास ऑफ सीमेंट अपॉन डेंसिटी ऑफ सीमेंट प्लस मास ऑफ सैंड अपॉन डेंसिटी ऑफ सैंड प्लस मास ऑफ एग्रीगेट अपॉन डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट, क्लियर है, प्लस वॉल्यूम चाहिए यानी मास ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस एयर, मास तो होता ही नहीं है, वॉल्यूम डायरेक्ट एयर का गिवन है 3% ऑफ टोटल का, यानी 0.25 टोटल वॉल्यूम है इसका 3% इतना गिवन है आपको। अब आप क्या करेंगे कि आपको पता है कि ओवरऑल टोटल वॉल्यूम गिवन है, तो टोटल वॉल्यूम कितना है 0.25, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो गिवन है कितना 0.5, तो आप यहाँ से क्या वेट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, मास ऑफ वाटर या वेट ऑफ वाटर, तो आपको पता है कि 0.5 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ सीमेंट, और वेट ऑफ सीमेंट है कितना x, तो यानी कि ओवरऑल वेट ऑफ वाटर कितना आ गया 0.5x इक्वल टू, अब आपको पढ़ा है आपने पीछे क्या निकालना है कि मास ऑफ सीमेंट अपॉन डेंसिटी ऑफ सीमेंट, तो मास ऑफ सीमेंट कितना है x है अपॉन डेंसिटी ऑफ सीमेंट, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, क्लियर है, प्लस आपको मास ऑफ सैंड चाहिए तो मास ऑफ सैंड कितना गिवन है 2.1, ओवरऑल आपको पता है 2.1x है मास ऑफ सैंड अपॉन डेंसिटी ऑफ सैंड मींस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ एग्रीगेट, यानी कि आपको पता है मास ऑफ एग्रीगेट आपने क्या माना था 3.5x अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये तो हो गया सॉलिड का वॉल्यूम, प्लस वाटर का वॉल्यूम चाहिए तो आपको पता है मास ऑफ वाटर जो कि 0.5x अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस एयर, एयर तो आपको पता है कितनी है ओवरऑल 3% ऑफ 0.25 की, क्लियर है, इसको आप इधर ले जा सकते हैं तो 0.25 माइनस 0.25 इनटू 0.03, क्लियर है, ये लिख सकते हैं इधर। अब आपको पता है x, तो x की तो वैल्यू फाइंड करनी है अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट है 3.15 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो अब ओवरऑल सब में कॉमन ही है डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस 2.1x अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड आपको गिवन है 2.65 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस 3.5x अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट कितनी है 2.7 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस 0.5x अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इतना ही बचा डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आपको पता ही ये वॉल्यूम किस में है, मीटर क्यूब में है, तो आपको यहाँ पे डेंसिटी कितनी रखी होगी 1000 kg पर मीटर क्यूब, तभी तो ओवरऑल x की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी kg में आएगी, तो kg अपॉन kg पर मीटर क्यूब तभी तो ओवरऑल मीटर क्यूब आएगा, तो यहाँ पे रो डब्ल्यू की वैल्यू क्या रखेंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी सॉल्व करने पे 83.44 kg। ये x है क्या, सीमेंट का ही तो वेट आपने एज्यूम किया था, तो सीमेंट का जो वेट है वो आ गया 83.44 kg। अब आपको सैंड का वेट चाहिए, तो सैंड का वेट कितना था 2.1 टाइम्स ऑफ x, यानी 2.1 और x की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 177.22 kg, क्लियर है। अब आपको एग्रीगेट का वेट चाहिए, तो एग्रीगेट का वेट आपको पता है 3.5x है, यानी कि जो सीमेंट का वेट है इसमें 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको कितना मिल जाएगा 292.04 kg। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वही अगर क्वेश्चन क्या होता कि आपको सपोज ऐसा होता है कि बाय वॉल्यूम गिवन होता, तो बाय वॉल्यूम गिवन होता टोटल वेट दे रखा होता तो आप टोटल वेट के टर्म में निकाल लेते, टोटल वेट ऑफ सॉलिड, टोटल वेट ऑफ मिक्सचर इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सॉलिड प्लस टोटल वेट ऑफ वॉइड्स, और उसको वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट कर देते तो वेट इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता। तो क्वेश्चन को आपको देखना है कि किस टाइप से पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है।
थैंक यू क्लास।